कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार, प्रभात खबर के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि प्रभात खबर .com ने अपने 30 साल का सफर तय कर लिया है और इस वक्त हम ऑफिस में हैं, दफ्तर में प्रभात खबर के दफ्तर से लाइव है। एक छोटा सा आयोजन हम कर रहे हैं, अपने दर्शकों को इसमें शामिल करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये सफ़र उनके बगैर, उनके सहयोग के बगैर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सब की मेहनत से, इतने लोग हमारे एक एक जो साथी हमारे यहाँ, उस सब की मेहनत से प्रभात खबर आज अपने जीवन के 19वें पड़ाव पे पहुंचा है। और हम सब जानते हैं कि अखबार और खबरों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रिंट से कैसे डिजिटल की तरफ जा रहा है। हमारे साथी इसके मूल सूत्रधार हैं और जो बाकी नॉन एडिटोरियल के जो हमारे साथ हैं, जिनका सर, राष्ट्रो सर, आलोक जी, सुमित, गोपाल जी, सब सबके हिस्सेदारी है इसमें। यह सिर्फ पीके डिजिटल का नहीं बल्कि कहें कि एक तरह से एक ग्रुप का है, क्योंकि तो सबकी मेहनत के बगैर ही आगे बढ़ नहीं सकता है। और यह जो आपके मोहब्बत है, आपका सहयोग या और ज़्यादा से ज़्यादा साथ हो भाई, 2 दशक की यात्रा के लिए आप सभी को बधाई। और जैसा कि विनय ने कहा कि इसमें सब लोगों का सहयोग रहा है, केवल डिजिटल की टीम के अलावा जो नॉन स्टेट प्लेयर जिसे कहते हैं, मतलब जो दूसरे साथी हैं और विभागों के, उनका भी सहयोग रहा है। ठीक है, डिजिटल की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। और जो धीरे धीरे मीडिया के सिनेरियो में हम लोग देख रहे हैं, डिजिटल मीडियम एक तरह से फ्यूचर का मीडियम बनने जा रहा है। फ्यूचर का क्या मैं बोलूँगा, आज के दिन में सोशल मीडिया या जो भी है आप देख रहे हैं, फेसबुक या जो भी व्हाट्सएप और ये सब, या डिजिटल मीडियम में बाकी जो अखबार वगैरह जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं और जितना फास्ट न्यूज चला जा रहा है डिजिटल मीडियम में, तो उसमें तेजी से ये मीडियम ग्रो करेगा और इवन एड रेवेन्यू भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भाई, सबसे पहले तो प्रभात खबर डिजिटल टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। छोटी सी टीम है और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट इधर साल दो साल में हुआ। 19 साल पहले मुझे याद है, बापी हो यहाँ पर है, हम लोग सॉल्ट लेक का एक कंपनी है, वेब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से पहला हम लोग अपना वेबसाइट बनवाए थे। और उस समय किसी और अखबार का वेबसाइट था ही नहीं जब हम लोग बनवाए थे इस वेबसाइट को, वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। जो फेसबुक शुरू करना, यूट्यूब शुरू करना, ये असल में वक्त की ज़रूरत है। जो मीडिया का जो फैलाव है, जो विस्तार है, जो एक पूरे पहरेदारी के साथ जिस जगह हम पूरी मीडिया को आगे ले जा सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा टूल्स है। इस टूल्स को हम किसी स्थिति में नकार नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में हमें आगे बढ़ना है। और बहुत सारी उम्मीदें हैं प्रभात खबर .com के जो श्रोता हैं, जो रीडर हैं, जो देखने वाले हैं, उनको भी इससे बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरीके से पूरे प्रिंट में अपने अखबार का है नाम, उसे ही लोगों को आज भी क्रेडिबल मीडिया के तौर पर, सोशल मीडिया या जिस जो डिजिटल मीडिया में जो क्रेडिबिलिटी का जो मसला बार बार आता है, उस मसले को इस वेबसाइट ने बहुत अच्छे ढंग से तरीके से अपने पाठकों तक वो जो उसकी जो शुद्धता बनी रहनी चाहिए, जो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो प्रस्तुत होना चाहिए बना हुआ। और ये सफ़र आगे भी है, ये 19वां साल मना रहे हैं हम, 100वां साल बनाए, और एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि हम पाठकों के प्रति बहुत ईमानदारी से जुटे हुए हैं, आगे भी जुटे रहेंगे इन शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद जी। नहीं सर, आपकी और कोई नहीं करता।
रुको, सब डिजिटल वाले आइए हमले जी डिजिटल में हम लोग जब स्टार्ट किए थे उसमें वेब दुनिया पोर्टल चलता था, तो रियली वेब दुनिया को देखे हम लोगों ने, हमने पत्रिका का उनका एक वेबसाइट चलता था, तो हम लोग का जो वेबसाइट बनाते हैं वो हम लोग पत्रिका की तरह स्टैटिक पेज हुआ करता था। आप तो हमेशा आगे आके लिखते रहते हैं और आगे बढ़ के आप समझते हैं कि डिजिटल है हम लोग का फ्यूचर, तो 19 साल का हो गया आगे और क्या उम्मीद है आपको? सबसे पहले बधाई, बहुत बधाई। 19 साल मतलब 18 में बालिग हो गया, बालिग होने के बाद एक साल का और पुत्र हो गया, तो आपको चिंता नहीं है इसको कि जो हल्का फुल्का बीमारी होता है ना बचपन में वो सब खत्म पार कर गए हैं। ये आप लोग की मेहनत के बाद एक लाइन कहें बस, बहुत ज़्यादा नहीं, कि इसमें जो आप छापते हो, जो आप देते हो मैसेज, न्यूज पूरी दुनिया उसको देखती है, तो हम जो अब तक लिखते आए प्रभात खबर में वो झारखंड बिहार या यहाँ तक लोग देखते थे। अभी शिबू सोरेन का जो इंटरव्यू जो हुआ था बाहर में, दुनिया के कई देशों में लोगों ने उस पर कमेंट लिखा, इसका मतलब इसका कोई दायरा नहीं होता है, कितनी बड़ी बात है। अनुज भैया ने जो अभी कहा कि प्रिंट को इंटरनेट गाइड करता है, कोई दो राय नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी प्रिंट में बैठा है वो बैठ के इंटरनेट में देखता है कि आज क्या खबरें चल रही हैं, क्या ट्रेंड है, वो न्यूज़ का ट्रेंड वेब सेट करता है और उससे प्रिंट कल निकलता है। यह इतना सरल माध्यम है कि देश दुनिया में कहीं भी, अनुज भैया ने कहा कि हम कोई काम अगर करते हैं तो हमारी कृति, यह कृति है। आमतौर पर पत्रकारिता जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि आप जो खबर लिखते हैं वो 2 मिनट में 2 घंटे में लिखा हुआ इतिहास है, तो यह जो हम इतिहास लिखने का काम करते हैं अखबार और प्रिंट मीडिया का है मैगजीन, उसमें एक दायरा होता है, लेकिन इसका कोई दायरा सीमित नहीं है।